नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Moto E7 Power वर्सेस Realme C21Y का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो E7 Power में 6.5 इंच जबकि C21Y में 6.48 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि E7 Power से कम है। विड्थ की बात करें तो E7 Power में 2.98 इंच जबकि C21Y में 2.99 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो E7 Power में 0.36 इंच जबकि C21Y में 0.36 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। अब बात करते हैं वेट की, तो वेट दोनों फोन का सेम ही 200 ग्राम्स वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.5 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो E7 Power में 81.56% जबकि C21Y में 81.59% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो दोनों फोन में सेम ही 270 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो E7 Power में दो कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें की प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है, और C21Y की बात करें तो इसमें तीन कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें की प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में मोनो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो E7 Power में 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं, और C21Y की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें की 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो E7 Power में Powerwall GE8320 जबकि C21Y में Mali G52 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो E7 Power में MediaTek Helio G25 और C21Y में Unisoft T610 मिलता है। बात करें RAM की तो E7 Power में दो वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 2GB 4GB की RAM मिलती है, जबकि C21Y में दो वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 3GB 4GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही दो वेरिएंट देखने को मिलता है, और दोनों फोन में सेम ही 32GB 64GB की स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो E7 Power में अप टू 1TB जबकि C21Y में अप टू 256GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो E7 Power में Android V10 क्यू जबकि C21Y में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही दो कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो E7 Power में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 2GB रैम 32GB स्टोरेज के साथ 6,999 रुपीस, 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 8,299 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें C21Y की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 3GB रैम 32GB स्टोरेज के साथ 8,999 रुपीस, 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 9,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो
मोटो E7 पावर में 5 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करें Realme C21Y की तो उसमें 2 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में C21Y आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi 9 है, दूसरा Oppo A33 2020 है, तीसरा Xiaomi Poco M3 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Infinix Hot 10 Play है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।